सतना जिले के सिंहपुर थाना अंतर्गत महतेन गांव से एक 25 वर्षीय युवक गायब हो गया। पुलिस तुरंत हरकत में आई और युवक को खोजने में जंगल सहित आसपास के इलाकों में पुलिस जवान लगे। खोजने में अब तक कोई सुराग नहीं मिला। सतना जिले के ग्राम महतेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रवि देवनाथ का 25 वर्षीय पुत्र रमेश देवनाथ अचानक बिना कुछ बताए गायब हो गया। मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि 6 नवंबर को रात लगभग 10:30 बजे फोन आया और रमेश देवनाथ फोन में बात करते करते गाड़ी से कहीं चला गया। जब वो सारी रात घर नहीं लौटा तो घर के अन्य परिवार जनों ने गाँव से बाहर रिश्तेदार के यहाँ गए। रमेश के पिता रवि देवनाथ को इसकी जानकारी दी गई और थाना सिंहपुर में गुमशुदगी की सूचना दी गई। और इसके बाद जैसे ही मामला सतना एसपी धर्मवीर सिंह यादव के संज्ञान में आया, तुरंत एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस जवानों को जंगल में उतार के सर्चिंग ऑपरेशन चालू कर दिया, क्योंकि गुम हुए रमेश देवनाथ की मोटरसाइकिल मेड़कानी वरहा रोड में जंगल के किनारे मिली थी। सूत्रों की माने तो पुलिस 8 से 10 लड़कों को, जिनके ऊपर पूर्व में केस दर्ज है, उन्हें थाने में बुलाकर पूछताछ कर रही है। गुप्त सूत्रों से ये पता चला है कि रमेश देवनाथ पास के गांव गड़िया में रहने वाली किसी लड़की से बात करते हुए घर से निकला था। पुलिस ने उस लड़की को भी थाने बुलाया है और लड़की से पूछताछ की जा रही है और रमेश देवनाथ के मोबाइल की आखिरी लोकेशन उसरार बताई जा रही है, जिसके बाद अब मोबाइल बंद आ रहा है। क्या मामला था पूरा घटनाक्रम? ऐसा हुआ कि परसों रात को 10:30 बजे उनका मतलब फ़ोन आया, तो उन्होंने शायद किसी से बात किया, उतना तो पता नहीं। फिर वो बात करते करते निकल गए। सब लोग घर पे बैठे थे, खाना आना मतलब दीदी लोग बाहर से आए थे तो उनको खाना आना दे रहे थे, तो इतना कहते मतलब आधा घंटे के बाद निकल गए थे वो खेत के लिए के कुछ के लिए पता नहीं निकल गए थे। घर में बता के नहीं गए थे? उनका रोज कैसे रूटीन रहता है, जाते हैं फिर आते हैं फिर रुकते हैं खेत में आते हैं। और घर और परिवार में आप लोगों ने संपर्क किया उनसे, परिवार वालों से? हाँ। कहीं नहीं मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या शंका जताई जा रही है? शंका तो इतना तो मुझे पता नहीं है कि क्या है कैसे है, आइडिया नहीं है। अरे वो मामा जी ख़त्म हो गए थे तो गमी था, तो हम लोग सब चले गए गमी में, तो गमी में गया वहाँ सब दाह संस्कार अस्कर सब किए। इसके बाद हम लोग घर आए रात को, जब रात को 10 बजे 10:30 बजे घर आते हैं, तब वो कहीं से गया था सवेरे ट्रैक्टर बनाने, ट्रैक्टर नागौर में। क्या काम करता था वो? यही खेती किसानी का काम, ट्रैक्टर वैक्टर चलाता था, ड्राइवरी भी करता था, अपना सब काम करता रहा खेती का। तो जैसे आए वो घर में आए, तो हम लोग आए, आने के बाद आया घर में जो भी किया हो करने के बाद, जैसे हम लोग आए तो आने के थोड़ी देर बाद ये वाली गाड़ी लिया, वो अपन निकल गए। हम लोग सोचे चलो खेत में जाते हैं पानी आनी लगाने, तो पानी आनी लगा बता के गया था। हाँ, बगैर बताए के गया, तो गया होगा पानी आनी लगाने। और कभी कभी पानी लगाने जाता तो वहीं खेत में सोया रहता रहा, सुबह लौट आता रहा। जब सुबह नहीं लौटा तो फिर फ़ोन लगाना चालू किया, जब फ़ोन लगाया तो फ़ोन लगता रहा, रिंग जाता रहा, लेकिन रिसीव नहीं होता रहा। रिसीव नहीं हुआ तो कई एक बार लगाया है, कई एक बार लगाया तो 9, 9:30, 10 बजे तक फ़ोन लगा, इसके बाद से फ़ोन ही नहीं लगा। जब फ़ोन नहीं लगा तो सबको इधर इधर ढूंढने लगे। इसका शंका जताई जा रही है? अब ये शंका क्या है, किसी लड़की लड़की की मैटर है, क्या है कैसा है, जैसे वहाँ से पता चल रहा कुछ तो शायद कोई अगवा करके लिए गया हो, ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्लियरिटी कुछ हो। आपका लड़के से क्या संबंध है? मेरा भाई है, चाचा का लड़का है, मैं बड़ा हूँ सबसे, वो मेरे छोटे चाचा है, छोटे चाचा का लड़का है रमेश। आप क्या करते हैं? मैं बस, मेरी मिसी सरपंच है, मैं उसी का देख रेख काम धाम करता रहता हूँ। क्या नाम लिखते हैं? मैं कृष्णकांत देवनाथ। को 6 तारीख को सुबह 10 बजे हमारा साला ख़त्म हो गया, तो सर वो संदेश पा करके हम चले गए दंचुआ, तो 55 ट्रैक्टर हमारा ख़राब हो गया था। वो रमेश देवनाथ गया था, हमारा छोटा बड़ा बच्चा, ट्रैक्टर बनवाने। तो जब रात को 8 बजे करीब घर लौटा है ट्रैक्टर बना करके, तो वो खा पी के पड़ा रहा। इसके बाद रात 10 बजे किसी का फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद 20 मिनट करीब बात हुआ फ़ोन में। बात होने के बाद लड़का मोटरसाइकिल उठा के टी शर्ट और लोअर पहन के घर से निकल गया। उसके बाद घर में क्या बता के गया? घर में कुछ नहीं बताया, घर में कुछ नहीं बताया, ये बहू देख के बताए कि देवर चला गया खेत तरफ। घर में कुछ नहीं बताया? नहीं, घर में कुछ नहीं बता के गया, घर में कुछ नहीं बताया। जाने के बाद रात को कभी कभी वो घर में सोता है, कभी राह में सोता है, कभी खेत में सोता है,
घर में कोई फिर टेंशन नहीं लिया। सवेरे वो 7 बजे भैंस दोहता है, जब 6 बजे लड़का छोटा लड़का हमारा फ़ोन लगाया, लगाने के बाद जब वो फ़ोन नहीं उठाया तो उसको सोचा कहीं घर में पड़ा हो, घर में चेक किया, राह में देखा, खेत में देखा, जब नहीं मिला तो हमको फ़ोन लगाया उसने कि पापा रमेश का फ़ोन नहीं लग रहा, रमेश का पता नहीं चल रहा है। हमने कहा होगा 8 बजे तक देख लो, 8 बजे तक आ जाएगा, लेकिन जब 8 बजे तक लड़का नहीं आया तो ये लोग ढुलाई चालू कर दिया। तब वहाँ पे मोटरसाइकिल मेड़कानी रोड के बरहाक रोड के किनारे मोटरसाइकिल मिली है। तब मोटरसाइकिल मिलने के बाद लड़के ने मेरे को फ़ोन किया, पापा उसका मोटरसाइकिल मिला है, उसका पता नहीं। तब मैं वहाँ से दौड़ के आया गाँव। कौन से लड़के ने फ़ोन किया था आपको? छोटा लड़के ने फ़ोन किया, रुपेश देवनाथ ने फ़ोन किया। अब आकर के गांव वालों को लेकर के वहाँ पूरा छनवाई चालू कर दिया, फिर थाने में आके रिपोर्ट किया, अब गुमशुद की रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट करने के बाद पुलिस भी हमारे साथ जाके तलाश शुरू की है। गुमशुद की रिपोर्ट आप कितने बजे की है? वो लगभग 10 बजे कर दी है। आपको किसी के ऊपर शंका? नहीं, अभी मेरे को कोई कभी कुछ शंका नहीं बता सकती, क्योंकि हमारे बड़े भाई का मर्डर हो गया था सन 2010 में, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि किनका क्या हाथ है क्या नहीं है। क्या नाम देखते हैं? मेरा नाम रवि देवनाथ उर्फ मुन्ना है।